Question number 3. Find the equations of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and minus 6 respectively. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको लाइन की क्वेश्चन बतानी है, लाइंस की क्वेश्चन बतानी है जिनके इंटरसेप्ट, तो इसलिए बच्चों हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा. तो यहां एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है. इंटरसेप्ट्स का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है. सम कितना है? 1 है. मतलब आप कह सकते हैं कि यहां ए प्लस बी 1 दिया हुआ है और ए बी माइनस 6 दिया हुआ है. बच्चों इसे आप सेकंड मान लीजिए और इसे थर्ड मान लेते हैं. ठीक है बेटे, यदि हम ए और बी पता कर दें, पता कर लें और यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएंगे. ठीक है ना. सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं बच्चों, ए प्लस बी है, हम ए माइनस बी पता कर लेते हैं. ऐसे लिख पाएंगे इसे आप, ए माइनस बी होल पावर 2 इज इक्वल टू क्या? ए प्लस बी होल पावर 2 माइनस 4 ए बी. ठीक, आप इसे ऐसे लिख पाएंगे, 1 माइनस 4 इंटू माइनस 6 मतलब ये 25 हो गया बच्चों. कैसे? 1 प्लस 24 माइनस माइनस प्लस हो गया. तो आप ये कह पाएंगे एम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. ठीक है बेटे, इसे हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया. यहां ध्यान देना आपने कि a माइनस बी 5 भी हो सकता है और a माइनस बी माइनस 5 भी हो सकता है. तो बारी बारी से ऐसा करिए, आप इसे दो पार्ट में लिखिए, ऐसे में लिखिए, इसे ऐसे लिखिए, एम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5. यहां इक्वेशन डाल लेते हैं 4 एंड 5th. समझा रहे बच्चों को? अब हम सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू मिलेगी, और सेकेंड और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें एक ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी. सॉल्विंग सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे बच्चों. क्या करने वाले हम कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3 हो गया. समझ पाए बच्चों? और जब a की वैल्यू आप यहां पुट कर देते हैं 3 इसी क्वेश्चन में सेकंड में, तो b की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी. सॉल्विंग सेकंड एंड फिफ्थ इक्वेशन, देखिए अब इसे और इसे सॉल्व करेंगे. देखिए बच्चों एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, जब आप इन्हें ऐड करो तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू माइनस 4 या a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. अब ये a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में तो b मिल जाएगा 3. क्लियर हो पाया? तो आप देख पा रहे हैं a और b की दो वैल्यूज मिली. ठीक है, अब इसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट में. फ्रॉम फर्स्ट When a is equal to 3 and b is equal to minus 2, तो कुछ ऐसा जाएगा बच्चों, x upon 3 plus y upon minus 2 is equal to 1. ऐसे में क्या सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये माइनस आप यहां ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2x minus 3y is equal to 1 implies 2x minus 3y is equal to 6. एक इक्वेशन तो ये मिली. और जब फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, तो कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. ऐसे ले लीजिए बच्चों, तो ये 6 हो जाएगा. इस माइनस को हम यहां रखेंगे, ठीक है ना. तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एम्प्लाइज माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. तो ये बच्चों दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन है. ओके, समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं.